अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ दानिश हुसैन। उम्मीद के अंदर सब खुश हैं, आबाद होगा। अज इलाही इंपॉर्टेंट चैप्टर एकड़ो स्टार्ट करने वाला हूं, जिन जो नालो है इनहेरिटेंस। इलाही स्टूडेंट्स के ही कॉम्प्लिकेट लगन दो, नो डाउट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इन में कॉन्सेप्ट आ है। कोशिश कंदम ता के सिंपलीफाई करे समझाया। अचो पांजे न्यू चैप्टर के स्टार्ट कियो, जो को एफएससी पार्ट 2 जो है इनहेरिटेंस। कुछ टर्म्स लिखिया हन मो, इन्हें अज बेसिक टर्म्स के क्लैरिफाई कंदी। छो जो अगर तुम बेसिक टर्म्स के समझी वो अगते तुम 90% जेनेटिक्स पा ही समझी वो। पर्यों टर्म है इनहेरिटेंस। हाँ, इनहेरिटेंस है इनहेरिटेंस। अगर सिंपल अल्फाज में मां एक्सप्लेन क्या तो चवंदस जेके करेक्टर्स माँ पी माँ बार में ट्रांसफर थन, उन प्रोसेस के चबो है इनहेरिटेंस। तो सिंपली अगर इनके एक्सप्लेन क्या, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग चबो है बेबी के, बार जैसे मा पी मा करेक्टर्स ट्रांसफर थन बार के अंदर, इन फेनोमिना के चबो है इनहेरिटेंस। पुट करेक्टर के जेनेटिक्स में ट्रेट भी चबो है। ट्राई नॉट टू कन्फ्यूज योर सेल्फ बाय द एक्चुअल वर्ड्स। ये सेम है, करेक्टर या ट्रेट बोथ आर सेम। ठीक है, जैसे करेक्टर या ट्रेट की ट्रांसमिशन थे बार के अंदर मा पी मा, अड़ी फेनोमिना के चबो है इनहेरिटेंस। हाँ, जै तरीके से ये ट्रांसफर थन्दा, जै तरीके से ये ट्रांसफर थन्दा, उन तरीके के चबो है हेरिडिटी। क्यों हाँ दिसो, ही ट्रांसफर तो थी आ, ठीक है। हाँ अगर असा तरीके की मालूमत करनी है तो उन तरीके की मालूमत असा हेरिडिटी दिंदो। तो हेरिडिटी छा है, द वे करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड is known as heredity। जै तरीके से करेक्टर ट्रांसफर थे माँ पी पेरेंट के अंदर, सॉरी पेरेंट माँ बार के अंदर, तो उन तरीके के हेरिडिटी चवंदा आयो, आई ट्रांसमिशन के चवंदा से इनहेरिटेंस। ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर थी। हाँ जै इन सबन की स्टडी की गाल क्या, उन सबन की स्टडी की गाल के चबो जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स छा है, स्टडी अबाउट study about hereditary and inheritance। इलाही बारन के confusion थी है इन words के अंदर, basic terms के अंदर। तो बेहतर है वी शुड क्लियर दीज बेसिक टर्म्स फर्स्ट। द ट्रांसमिशन छा है, सॉरी इनहेरिटेंस छा है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। हेरिडिटी छा है, उन ट्रांसमिशन के तरीके के छा चबो है हेरिडिटी चबो है, आई इन बिनन जी कंबाइन स्टडी के चबो है जेनेटिक्स। ठीक है पुट, हाँ बो है जीनोम। हाँ जीनोम छा है, अगर मैं जीनोम के एक सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन क्या, तो मैं इनके सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन ये कदम, अ सेट ऑफ genes on a chromosomes। Chromosomes te ilahi sari genes jo set payo hai, ya genetic material jo set payo hai, in a set ke chebo hai genome। Jada ilahi sara material, ya for example ilahi sari genes ekde chromosome je set te pya hojan, 46 chromosomes, thik hai, sajo ekdo set hai, un te pya hojan, un ke asa cha chunda sin genome। एतरी गाल क्लियर है। उनखा पय कैरियोटाइप, हाने एकरो सिंपल ताके आईडिया ज्या कैरियोटाइप छ है। हाने ही जको जीन्स जो या क्रोमोसोम जो सेट है, इन क्रोमोसोम जे सेट के मा ही लिखनम, छ जो होमोलोगस क्रोमोसोम आन। ठीक है पुट, रहे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आन भई एक जड़ा हुंदा शेप ही साइज में, बट नॉट आइडेंटिकली। ताके कांसेप्ट दबो आइडेंटिकल छो ना हुंदा ही। हाने ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो ही सेट पयो है, एकरो ग्राफ पयो है, छा पयो बाबा ग्राफ।
ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो ग्राफ पयो आहे, इन ग्राफ जी स्टडी के असा कैरियोटाइप चवंदा सी। समझियो गाल, जीनोम आहे, ठीक आ, इलाही सारे जीन्स एकडे सेट ऑफ क्रोमोसोम दे पयो, उनके चबा जीनोम। हन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जी पर्टिकुलर ग्राफ जी स्टडी के छा चबो, कैरियोटाइप। त इन के सिंपल छा लिखंदा सी, सिंपल लिखंदा सी, अ ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जे सेट जे अगर अस उनके ग्राफिकली स्टडी क्यों, उनके छा चबो आहे, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के ता सिंपल अल्फाज में ई डिफाइन कर सको ता, अ ग्राफ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ई हिकड़ो सजो ग्राफ वांगर ठहरान पुट, हन के अस सजे ग्राफ वांगर अगर शकल दिंदासी, दैट इज अ होल ग्राफ। इन होल ग्राफ के छा चबो आहे, कैरियोटाइप। A graph of homologous chromosome known as karyotype. हाणे जीन छा आहे, वॉट इज जीन? जीन जो वॾो रोल आहे पुट, ऐं इलाही ॿार हिन में मुंझंदा आहिनि इन जीन जे कॉन्सेप्ट में। जीन छा आहे, अगरि सिंपल ॿाराणी डेफिनेशन लिखूं त अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो जेको बेसिक यूनिट आहे उहो कहिड़ा जीन आहे। अगर थोड़ा इनके कॉम्प्लिकेट किया तो कॉम्प्लिकेशन में मैं ये चवंदस त अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए जो एकड़ो सेगमेंट आ है, आई जीन जो कम कड़ो आ है, इट स्टोर इंफॉर्मेशन। जीन पुटर इंफॉर्मेशन के स्टोर कर दिया है, ठीक है बाबा। एकड़ो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो आ है, एकड़ो सेगमेंट ऑफ डीएनए चई सको था, या इनके चई सको था त सेगमेंट विच स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है पुट। हाँ इन जो एकड़ो सेम तरीको आहे, अलील छा हुंदो आहे, व्हाट इज अलील? अलील इज अ बेसिक टर्म विच रिजेंबल्स विथ जीन। हाँ पुट, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में ये ब सेट हुंदा आहिनि जीन जा, छा हुंदा आहिनि? जीन जा। हाँ ही फॉर एग्जाम्पल, ही एकड़ो क्रोमोसोम आहे, ही ब क्रोमोसोम, इन जे मथां सेट ऑफ जीन पिया हूंदा। इन सेट ऑफ जीन जे हिकड़े सेट के चइबो आहे अलील। माना ही ब सेट आहिनि, हिकड़ो जीन जो ही सेट आहे, हिकड़ो जीन जो ही सेट, माना हिकड़ो जीन ही आहे, हिकड़ो जीन ही आहे, इन्हनि मिली करे सेट ऑफ जीन्स ठाहियो। त इन मां हिकड़े खे मां छा चवंदुमि? अलील। त छा चवंदुमि? अ पार्टनर ऑफ जीन इज नोन एज अलील। इनके बियो ये लिखबो आहे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यो सही आ पुट, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, या बिन जी डेफिनेशन सही आ है। छो जो होमोलोगस क्रोमोसोम की गाल के या क्रोमोसोम की गाल के तो सेट ऑफ जीन्स पे आउंदा, पार्टनर्स में होंदियन जीन्स, ठीक है, जेके ताजो ट्रेट के करैक्टर के डिफाइन कंदियन। तो उन पार्टनर मा अगर हिकरे जी मा गाल के उन गलील चोंदो, ठीक है पुट। तो इन करे मते लिखा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। हाँ जीन लिंकेज छा है? जीन लिंकेज आहे सेट ऑफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर इज नोन एज जीन लिंकेज। जड़े इलाही सारी जीन्स पान में लिंक्ड हुंदियूं, इन लिंक्ड वारी फेनोमेना के छा चइबो आहे? जीन लिंकेज। पो आहे जीन लोकस। जीन लोकस छा आहे पुट? जीन लोकस आहे पोजीशन ऑफ जीन, ठीक आहे, जेका जीन जी पोजीशन आहे उन पोजीशन के चइबो आहे जीन लोकस। हाणे पोजीशन किथे आहे? डेफिनेटली क्रोमोसोम ते। त जीन जी कहिड़ी पोजीशन आहे क्रोमोसोम वटि? That position indicates what? Gene locus. पुट, बस टर्म्स ॿिया बि आहिनि। हिकिड़ो आहे फिनोटाइप, जेको तव्हांखे अॻिते ख़बर पवंदी, फिनोटाइप। ॿियो आहे जीनोटाइप, इहो थोरो हींअर ॿुधायां थो छा हूंदा आहिनि। ऐं ॿियो हूंदो आहे सेम कॉपीज एंड अल्टर्ड कॉपीज। ही जीन सां रिलेटेड आहे, इहे ॿई ॿुधायां थो।
हाणे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप छा आहे जेका फिज़िकल अपीयरेंस आहे कंहिंजी बि माना आई एम टॉल माई हाइट इज़ 6 feet ठीकु आहे एंड आई वेयर ग्लासिस ठीकु आहे देट इज़ माई फिज़िकल अपीयरेंस जेका तव्हांखे नज़र अचे थी इन फिज़िकल अपीयरेंस खे छा चइबो आहे फिनोटाइप जंहिंजी तव्हांखे फिज़िकल अपीयरेंस नज़र अचे उन फिज़िकल अपीयरेंस खे असां इंडिकेट कंदासीं फिनोटाइप जीअं आई हैव टू ईयर्स टू आईज़ वन नोज़ हीअ तव्हां सभु ॾिसी सघो था जेका शइ तव्हां ॾिसी सघो ऐं उनखे आइडेंटिफाई करे सघो that phenomena is phenotype genotype chha hai jeka internal mujhi gene composition hai composition of whole body hai internal jeka tange visible nahi ache by the help of certain experiments tange po zahir thindan je andar composition chha hai theek hai un nalo chha hai composition ke chebo hai genotype jeme ta genes wagera ji proper composition padho jeka physical na hoje etri gal clear hai par genotype phenotype beo hai same copies and altered copies kada kada chha thindo hai baba diso hi ba genes hain ठीक है ये सफा बई एक जड़ियो आइन ही ए जीन है ही बी जीन है ही भी जीन इन जड़ी है ही भी जीन इन जड़ी है जदे जीन जा पार्टनर बई सफा एक जड़ा हुंदा उनके चेबा है सेम कॉपीज ऑफ जीन पर म्यूटेशन के जरिए म्यूटेशन थिंदी है सडन चेंज ऑफ इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओचतो डिसऑर्डर वगैरह चीनदान त म्यूटेशन में छा थंदो है एकड़ी जेका जीन जी पार्टनर है वो एकड़ो थिंदो है बियो पार्टनर वरी चेंज थी विंदो है बाय द कॉज ऑफ म्यूटेशन ठीक है एडी जीन जी कॉपीज के चाचे वो अल्टर्ड कॉपीज अल्टर ऑफ कॉपीज थी है म्यूटेशन के जरिए म्यूटेशन की वजह से थी है एतरी गाल क्लियर है बाबा उम्मीद कर इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस तक समझ में अची वो ये बेसिक टर्म्स हैं पंजे दौर में याद रखो अल्लाह हाफिज़।